इंगोरिया रोड स्थित बीमा अस्पताल के कोविड सेंटर का निरीक्षण करने गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की इंजीनियर नेहा निर्मल को किसी भी हाल में आगामी 5 मई की दोपहर 12 बजे तक इसे शुरू कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सांसद सहयोगी प्रकाश जैन, राजेश धाकड़, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा, बिल्लाग्राम थाना प्रभारी हेमंत सिंह जाधव मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने भवन का निरीक्षण करने के बाद इंजीनियर नेहा निर्मल से कहा कि यह अन्य कमरे भी हैं, ऐसे में व्यवस्था और की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 25 बेड का काम पूरे होते ही अन्य कमरों में भी सिविल का काम शुरू कर दे, जिसमें 40 बेड ऑक्सीजन वाले और 10 बेड सामान्य रखें, ताकि 50 बेड का कोविड सेंटर तैयार हो जाए और मरीजों को यही सुविधा मिलना शुरू हो सके। क्या हाल है बिल्डिंग 2002 साल शिफ्ट हो गया, जब से थोड़ा बहुत स्टाफ है। अच्छा, पहले की बनिस्पत इंडस्ट्रियों में भी जो उनकी वो रहती है, जो भी केले का सेंट्रल के पास था, ये फिर स्टेट को चला गया। स्टेट को कभी नहीं गया, स्टेट कॉर्पोरेशन पे डिमांड करी तो कर देंगे। मेरी बात हो गई थी तो उसमें दिक्कत नहीं। वो क्या ये कहीं नहीं है, उन्होंने लेटर भी भेज दिया है वहाँ पे। हाँ, मैंने आयु भेज दिया था और उन्होंने ऊपर से भेज दिया है। भरोसे मत रहो, काम लगा दो, जितना पैसा है वो कर लेना, हम देखेंगे रास्ते पे। कल सवेरे से लगाना है, ठीक है। इसके अलावा तो मैं ड्यूटी डॉक्टर से ही हूँ। ड्यूटी डॉक्टर तो बीएमएस ले लो, आईडीएस ले लो, कोई प्राइवेट लोग जो है, जितने भी लोग हमारे रिटायर आते हैं, काम वाले सबको पेमेंट किया जा सकता है। मैनिफोल्ड तो यहाँ तैयार होता है, कंट्रोल पैनल में है, कंट्रोल पैनल ही आ रहा है। करने में समस्या नहीं है, मंगलवार को चालू हो जाएगा, मतलब मंगलवार की शाम तक हो जाएगा, बुधवार को मान के चलेंगे। कि दिल्ली से ट्रेन में रखते हैं अपना, ये है वहाँ पर दिल्ली वाला तो साथ रहेगा। ट्रेन से अपन रखवा लें तो अपन यहाँ रात्रि उठा लेंगे ना, सोमवार मंगलवार को सुबह ही आ जाएगा अपने पास। सोमवार शाम को चलो ठीक है, कुल मिला के 2000 है।
आपका भी हो ना भैया, तो पहले से तैयारी मतलब बुधवार को हम लोग फिर चालू बेड साहब के पास में देखो स्टाफ के लिए बिल्कुल उज्जैन में जरूरत रहना। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, चाहे एसएम के लेना हो, एसआई के लेना हो या प्राइवेट भर्ती हो, प्राइवेट भर्ती करो, हम एनएचएम से लगाएंगे उनको, उनको कोई फंडिंग वाली चिंता नहीं करनी है। वो वैसे जो कल बैठक लेते हैं अपन, उसमें जो हमारे फोर्थ क्लास वाले भी लोग लेने हैं उनकी इनकी एजेंसी उसके थ्रू करा देंगे, वो तुम लोग हायर करो। लेकिन ये मत सोचना कि उज्जैन से भेजे जाएंगे, यहाँ से ही तुम लोग करके करो, पेमेंट हमारी जिम्मेदारी। एसआई के भी तो 24-28 लोग हैं, वही तो उनका भी प्राइवेट लोग बिल्डिंग है वहाँ, तुम लोग जाओगे ठीक है, अच्छा अच्छा रहेगा। भगवान ने करे हमारे पास बिल्डिंग है पर्याप्त से, कितने पॉइंट की ना 24 हम कभी और यहाँ सोचे 24 के अलावा बैठा यहाँ से बेड की छोड़ो रूम से हमारे पास इसमें इसको दो चरणों में रखो, अभी पूरा काम वो कम्प्लीट करें, मैनिफोल्ड वही लगना है, उसके बाद यहाँ पे अपना बंद करके इसको आगे बुक करके दो ही करना है अपने को, जब एक इसका काम वो हो जाए खत्म। अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि मान लो भाई जैसे सेंट्रल हमको शिफ्ट कर देता है तो फिर तो हमारे पास 7 करोड़ रुपए पड़े हैं ना, नहीं करेगा, करेगा तो बस वो 7 करोड़ है तो रिपेयरिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो हम तो इसको अल्टीमेटली हमको फिर बनाना है। आप क्यों इसको सेंटर का मान रहे हो, तो हो गया राज्य सरकार का, हो गया दो या तीन तो उधर भी जा रहा है, आगे भी, हाँ आगे भी उधर, क्यों डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा तुम 10 वाला बनाए तो 20 पॉइंट बनाने का कोई मतलब नहीं। सेविजा साहब को भी लेने का ठीक है, सिविल और दोनों का दो चरणों में करें, अभी यहाँ काम मत खोलो, यहाँ तब तक सिविल का अपना इंजीनियर वो लगा दो, ठेकेदार लगा दो, वो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक का पूरा कर ले, तब तक यहाँ सिविल का पूरा हो जाएगा। प्रमोद ठीक पहले इसको पूरा कर, हाँ करना ही है मतलब प्रपोजल वगैरह पहले ये कर लेते हैं, वहाँ कब हो जाएगा आयुर्वेदिक वाला तीन से चार वेंडर सर सबसे बोल दिया है, किसी के पास में फ्लो मीटर फ्लो मीटर उसमें क्या करें यार, वो सर 8 वीक बोल रहा है, 8 वीक के पहले लगाई छोड़ दो ना फिर प्लान कर, हाँ वही अल्टरनेटिव करना होगा, 8 वीक में तो कोई मतलब ही नहीं इतना पैसा लगा के, 8 वीक में तो भैया 2 महीने तो वही उससे पहले करने को तैयार ही नहीं।
बताओ बताओ यहाँ पर क्या है, कुल मिला के कंप्यूटर में काम हो स्थाई? हाँ वही क्या स्थाई होगा, वो तो हो जाएगा तो फिर स्थाई होगा, कुछ नहीं कह सकते। और एक दो जगह जाना है सर, बीमा अस्पताल का विजिट किया सर, क्या विशेष रहा? देखिए बीमा अस्पताल जो एक तरीके से केंद्र सरकार के इसमें आता था, लेकिन हम लोगों ने बातचीत करके इसको अपने अंडर में ले लिया है और इसको हम लोग कोविड का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम चालू कराया है। हमारा लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं वो मंगलवार तक आ जाएंगे, तो हमारी प्लानिंग है कि अगले बुधवार को ये अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ लगने हैं, यहाँ पर चाहे ESI का अस्पताल हो, ग्रासिम हो या दूसरी जगह हो, यहाँ पर पहले से स्टाफ अवेलेबल भी है। अगर वो नहीं भी होगा तब भी हम लोग प्राइवेट लोगों को, चाहे वो किसी भी डिग्री के हों, जो चिकित्सकीय डिग्री उन्होंने ले रखी होगी, उनके उनका जो भी यहाँ पर स्किल होगी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। NHM से हम लोग उनको हायर भी कर लेंगे। कुल मिला के पूरी क्षमता के साथ में, पूरी दक्षता के साथ में यहाँ पर हम लोग इसको चालू करेंगे और कम से कम मरीज़ों को उज्जैन या इंदौर के लिए रेफ़र करना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, सबका इलाज यहाँ पर चालू हो जाए। मुझे लगता है कि नागदा एक बहुत बड़ा सेंटर है, ऐसे अस्पताल की, ऐसी फैसिलिटी की यहाँ पर काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी। पूरी ऑक्सीजन लाइन के साथ में लगभग 50 बेड का अस्पताल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के द्वारा भी लगभग 60 लाख की CSR की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, उसका भी जो भी यहाँ पर कुछ कमियाँ रहेंगी, कुछ गैप्स रहेंगी, उनके माध्यम से उनको भी, उनकी भी पूर्ति करी जाएगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर और आवश्यक होंगी उनका असेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन बुधवार तक हर हालत में हम लोग इसको चालू करा रहे हैं। सर क्या कारण है कि 150 मौतें होने के बाद भी ग्रेसिम में सारी सुविधा उपलब्ध है, जनसेवा हॉस्पिटल में, उसके बाद भी उसको हायर करके उन मरीजों को वहाँ की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही सर? देखिए तो पता नहीं ये 150 मौतों का क्या कौन सा आंकड़ा जो है वो बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जनसेवा है उसमें बाकी लोगों का भी इलाज हो रहा है। जैसे उज्जैन में भी हम लोगों ने कई सारे ऐसे अस्पताल छोड़ रखे हैं जहां पर जो सामान्य रोगी हैं, चाहे वो एक्सीडेंट वाले हों, चाहे वो दूसरे रोग के आ रहे हों, उनका भी इलाज उतना ही आवश्यक है जितना कोरोना का है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से अनयूज्ड पड़ी हुई थी, इसका हम लोग कोविड के लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में अगर केसेस की संख्या बढ़ी, अगर हमको और बेड्स की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग निश्चित रूप से जनसेवा को भी ले लेंगे, ऐसा कोई छोड़ने वाली या वो करने वाली बात नहीं, बात प्रायोरिटी की है। अभी हम लोग 50 बेड से शुरू कर रहे हैं, अगर अपने को और बेड्स की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से उसको भी लिया जाए। रेमडेसिविर की एक तो लगातार हम लोग जो उज्जैन से भी प्रयास करते हैं कि जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो ढंग से किया जाए। आमतौर पर अमूमन ये देखा जाता है कि मरीज के कहने पे ही कई सारे लोग रेमडेसिविर को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कालाबाजारी की बात है, अत्यंत ही हम लोगों का सख्त रुख है। एक हम लोगों के सफलता मिली थी उज्जैन में, एक गिरोह टाइप का था जिसमें 7-8 लोग गिरफ्तार हुए थे, उन 8 लोगों के खिलाफ हमने रासुका की कार्रवाई करी थी, उनको तत्काल जेल भेजा था। यहाँ भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जरा से भी कालाबाजारी की शिकायत आती है तो रासुका से कम कोई कार्रवाई नहीं होगी, तत्काल ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर भेजा। सर आप चिकित्सकों की, ये बोला गया था कि माधव नगर से चिकित्सक भेजेंगे, मगर वो आज दिन तक कोई चिकित्सक नहीं आया, तो हम ये चाहते हैं इसको शुरू करने से पहले पर्याप्त व्यवस्था कर दें, क्योंकि बाद में डॉक्टरों को भी नहीं। देखिए मुझे लगता है कि नागदा अपने आप में इतना बड़ा सेंटर है कि वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। माधवनगर से यहाँ पर किसी चिकित्सक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि यहाँ पर बहुत अच्छे जो चिकित्सक मौजूद हैं, वहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, एक बार एक्सपोजर विजिट टाइप से करने के लिए उनको माधवनगर या कहीं दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, वो हम लोग अगले 2-3 दिनों में करा देंगे। बाकी बहुत ही दक्ष चिकित्सक हैं, सभी लोग करने में सक्षम है, और जो कोरोना का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो लगभग जो है अब वो स्थिर टाइप का हो गया। जब पहली वेव थी उसमें किसी को समझ में नहीं आता था कि कोरोना का कोई मरीज है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट नहीं करना है। अब कई सारी गाइडलाइंस हैं, WHO ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, उसी के आधार पर पूरा ट्रीटमेंट होना है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव नहीं है। अगर दक्ष चिकित्सक हैं, एक बार उन्होंने कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें देख ली है, तो निश्चित रूप से वो लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर पत्रकारों के लिए आपने कोई कोरोना सेल का मरीजों का इलाज के लिए विशेष सुविधा की बात? देखिए जो हमारा 1075 का एक नंबर है, जिस पर कोरोना से संबंधित कोई भी अगर असुविधा है, डिमांड है, उस संबंध में एक शिकायत या कहें मांग जो है दर्ज कराई जाती है, वहीं पर हमने एक अलग से एक व्यक्ति को बैठा रखा है कि अगर कोई पत्रकार बंधुओं से संबंधित और
उनका अगर कोई परिवार है जो नज़दीकी रिश्तेदार है या उनका उसी उन्हीं के परिवार का सदस्य है, अगर उसका कोई पॉइंट आता है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर, चाहे वो बेड का मामला हो चाहे इंजेक्शन का मामला हो, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। उसका आप लोगों के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सर, संक्रमित मरीजों के लिए डोर टू डोर एक टीम गठित की गई है, सर उनके पास ना तो सुरक्षा के कोई पर्याप्त साधन है ना कुछ भी नहीं सर? देखिए, आज की तारीख में अगर सुरक्षा के साधनों की बात करें तो अगर डोर टू डोर की टीम हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारे पास में मास्क है और सैनिटाइजर है, दो चीज़ें ही आवश्यक हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाकी पीपी किट वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो सर्वे वाली टीम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग चाहे जितने भी बेड्स बढ़ाते जाएँ, अगर संक्रमण की दर जो है वो नहीं रुकेगी तो सारे बेड्स जो हैं वो कम पड़ते जाएंगे। सर्वे इस मामले में आवश्यक है कि हम लोग तत्काल ऐसे लोगों की पहचान कर लें जिनको कोरोना हो सकता है, उनको वहीं पर ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे दें। वरना होता यह है कि वो लोग एक तो 4-5 दिन लक्षण के साथ में रहते हैं, दूसरे लोगों को संक्रमित भी करते हैं, और इसके अलावा जब तक अस्पताल पहुँचते हैं तब तक उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी होती है। इस सर्वे टीम के माध्यम से अगर हमने लोगों की पहचान घर पर ही कर ली, उनका ट्रीटमेंट कर लिया, तो न केवल उनकी स्थिति जो है गंभीर होने से बचेगी बल्कि दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। इस पर भी हमारा बहुत जोर है। और इसके साथ साथ जो जनता कर्फ्यू है इसका बहुत कड़ाई से पालन हो, सभी का इसमें सहयोग मिले, तभी हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे। और इसमें न केवल प्रशासन, न केवल जनप्रतिनिधि, बल्कि जब तक मीडिया और पूरी जनता जो है एक साथ में नहीं आएगी, एक साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक इस जंग को जीता जाना बहुत मुश्किल है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, बीमा अस्पताल की सुविधाएं कब से चालू हो जाएगी? सर, बीमा अस्पताल में आज हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर थे, और जो यहाँ की तैयारियाँ हैं, जितना काम हो चुका है उनको देखते हुए हम लोगों ने अपने लिए बुधवार का टारगेट रखा है कि अगले बुधवार को किसी भी हालत में इसको हम लोग चल करें। विधायक दिलीप सिंह ने बताया कि ये आपदा का समय है, संकट का समय है, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापारी हो। मैं न केवल विधायक जी बल्कि सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जिस रूप में भी, जैसा भी वो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिस रूप में भी इस अस्पताल को, अस्पताल के लिए, कोरोना के दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए अपना योगदान देना चाहें, उनका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीमा अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने के लिए पहले दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे, और अब ये प्रयास हमारा अंतिम चरणों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अभी कलेक्टर साहब बोल के गए कि बुधवार को इसको हर हाल में हम चालू कर देंगे। अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है और इसके बाद हम पैनल सेटअप का काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से बुधवार तक का टास्क हमने खुद के लिए लिया है, बुधवार तक हम इसको शुरू कर देंगे। मैं फिर एक ही आग्रह करूँगा, जो लोग घर में बैठ के छिछालेदारी कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपने बयानबाजी कर रहे हैं, जो तकनीकी रूप से कोई जिनको जानकारी नहीं है, वो बार बार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे फिर से हाथ जोड़कर आग्रह है कि जीवन पड़ा है राजनीति करने के लिए, बहुत दम से राजनीति करेंगे, आप भी करना और हम भी करेंगे, लेकिन ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त लड़ाई से लड़ने का है, सबको मिलजुल के काम करने का है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप घर में बैठकर फेसबुक चलाकर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कृपया मत कीजिए। जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं उनके अपने भी घर परिवार है, उनके अपने भी बच्चे हैं, उनका अपना जीवन भी दाव पर है, उसके बाद भी अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है उनके साथ, तो कम से कम उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए। और अगर आप देखना चाहते हैं जो लोग, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो बीमा आकर देख ले और यहाँ की शक्ल और सूरत देख ले। मैंने पहले दिन से कहा था कि हम इसको बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे और इसको 100 बेड तक ले जाएंगे। मेरी बात को आज कलेक्टर साहब आगे बढ़ाकर गए हैं, उन्होंने जिसकी शुरुआत हमने 24 बेड से की थी, आज वो कह के गए कि हम इसको 50 बेड से शुरू करेंगे, और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो हम इसको निश्चित 100 बेड का अस्पताल बनाकर इसको शुरू करेंगे। आप सब लोगों का जिस तरह का सहयोग, पूरे शहर का, पूरे समाज का जो पॉजिटिव सहयोग हमको मिल रहा है इसको बनाने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।